हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बुक सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 से एग्जांपल नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें दिया है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में जाती है। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को बोला है कि यही बोट 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगाती है, 13 आवर्स लगाती है। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में फाइंड करनी है। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हम लोगों को फाइंड करनी होती हैं, दोनों को लेट कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। तो जब भी कभी क्वेश्चन हम लोगों के पास वाटर के फ्लो से रिलेटेड होते हैं तो दो चीज़ें हम लोग हमेशा फाइंड कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या, स्पीड अप स्ट्रीम, मीन्स बोट की स्पीड अप स्ट्रीम के केस में क्या होती है। तो देखो, अप स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब वो निकालते कैसे हम लोग, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करके, तो कितनी होगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, स्पीड डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड बढ़ जाती है बोट की। तो क्या करते हैं, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देते हैं और ये नई स्पीड निकल के आती है डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर दो केसेस हम लोगों को दे रखे हैं, तो वन बाई वन हम लोग दोनों केसेस पर आते हैं। सो फर्स्ट केस में हम लोगों को क्या दिया है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है बोट, ठीक है, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, और टोटल टाइम लगता है कितना, 10 आवर्स। तो टाइम का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं टाइम निकालने का, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब बोट कितना जाती है, फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, और अप स्ट्रीम के केस में उसकी स्पीड कितनी होती है, एक्स माइनस वाई। इसका मतलब 30 किलोमीटर जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा इस स्पीड से, कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब जो 30 किलोमीटर जाने में जो टाइम होगा या जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन किस स्पीड से जाएगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, वो टाइम जो बोट को 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। अब यहाँ पे क्या है, 44 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर होनी है डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक है, तो ये तो क्या हुई, डिस्टेंस, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। इसका मतलब टाइम इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है इस केस में कितना, 44, और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के केस में, एक्स प्लस वाई। क्लियर, ओके। अब ये वो टाइम है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगेगा, और ये वो टाइम है जो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में लगेगा उस बोट को, और जो दोनों का टोटल टाइम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है, 10 आवर्स है ना। मीन्स दोनों टाइम को अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना आना चाहिए, 10 आवर्स आना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों की इक्वेशन 1 रेडी हो जाती है। ठीक है, केस 2 में हम लोग देखते हैं क्या दिया है हम लोगों को। यहाँ पर बोला है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगता है 13 आवर्स। तो यानी कि अब अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, राइट, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ भी यूज़ करें। इस केस में अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, 40, और स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, बोट को जो टाइम लगेगा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, अगेन 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो ये तो डिस्टेंस है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो गया टाइम, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये अब क्या है हम लोगों का, ये वो टाइम है जो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में लगता है, ये वो टाइम है जो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में लगता है, और दोनों का टाइम मिला के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 13 आवर्स। तो दिस इक्वल टू 13 आवर्स, और ये हम लोगों की बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में है, नहीं है। तो इनको चेंज करने के लिए हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेट
वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम रख दिया जाए, तो देखो ये क्या होगा, 30 इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई की प्लेस पे एम रखेंगे तो क्या रीड कर सकते हैं इसको, 30m। सिमिलरली एक और चेंज करते हैं हम लोग, वन अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे अगर हम लोग n रख दें तो यहाँ पे क्या होगा, 44 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई, मीन्स वन अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे n रखा जाएगा तो ये बन जाएगा 44n इक्वल टू 10। लेट वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम एंड वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, देन द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, तब इन इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या बन जाएगी, 30m प्लस ये क्या है 44 और वन अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पर रख दिया n एंड दिस इक्वल टू 10। इस तरीके से ये बन गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 3, और ये 40m प्लस 55n इक्वल टू 13, और ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हम लोगों के पास टू इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हैं, जहाँ पे m और n क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और m और n की वैल्यूज़ निकालते हैं पहले। तो अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, और वो होता कैसे, जब उसके कोफिशेंट्स को हम लोग एक जैसा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए m को एलिमिनेट करते हैं, 3 में अगर हम लोग m का कोफिशेंट देखें तो कितना है 30, और इक्वेशन नंबर 4 में m का कोफिशेंट है कितना 40, इन दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना होगा 120। अब 30 को 120 में चेंज करना है तो कब पॉसिबल है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब ये 40 है, इसको चेंज करना है 120 में, कब पॉसिबल है, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव यानी कि सेम साइन वाले नंबर होते हैं, तो क्या करते हैं, सबट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं, सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं, सो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120m, 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 170n, और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इक्वेशन नंबर 4 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, सो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120m, प्लस का साइन है पुट करिए, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 165n इक्वल टू 3 से 13 को मल्टीप्लाई किया तो 39। अब क्या करना है, सबट्रैक करना है, और सबट्रैक करते हुए साइन चेंज होते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है तो ये तो खत्म हो गया, 176 माइनस 165n करेंगे तो कितना आएगा, 11n इक्वल टू 40 में से 39 माइनस किया तो 1, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, 11n इक्वल टू 1, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 11, ठीक है। सो n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी जो कि कितनी है, 1 अपॉन 11, ठीक है। अब n की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 3 में रखें या फिर इक्वेशन नंबर 4 में, चलिए 3 में रख देते हैं, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, सो 3 में रखिए, दिस इज 30, m है रखा है एज इट इज़, प्लस 44n, और n के प्लेस पे अब क्या रख देना है, 1 अपॉन 11 एंड दिस इक्वल टू कितना दिया है, 10। देखो 11 से कटा कितने बार, 4 टाइम्स, ठीक है। सो 30m प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ था, 10, ठीक है। अब क्या m चाहिए ना हमें, तो इस टर्म को तो इधर रखिए और इसको ट्रांसपोज कर दें, तो 30m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और इसको ट्रांसपोज करेंगे 4 को, माइनस में जाएगा, सो 30m इक्वल टू कितना आ गया, 10 में से देखो 4 माइनस किया तो 6, तो m इक्वल टू कितना निकला, 6 अपॉन 30, जो कि 6 से कैंसिल कर दिया 1 टाइम और ये 5 टाइम। इसका मतलब यहाँ से जो m की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, m की वैल्यू कितनी निकलती है, 1 अपॉन 5, करेक्ट। अब हमारे पास में क्या है, नाउ वी हैव m इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 5, एंड n कितना निकाला है हम लोगों ने, 1 अपॉन 11। अब क्या हम लोगों को m और n की वैल्यूज़ निकालनी थी, नहीं, हम लोगों को तो और x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी ना, तो क्या करें, m किसके प्लेस पे रखा था, ज़रा देखते हैं,
देखो m हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था किसके प्लेस पे, 1/x - y के प्लेस पे, इसका मतलब आप m के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/x - y, और n के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 1/x + y, ठीक है, पुट कर देते हैं। सो m के प्लेस पे हम लोगों ने रखा 1/x - y एंड दिस इक्वल टू 1/5, और यहाँ से n के प्लेस पर रखा 1/x + y और ये कितना है 1/11, ठीक है। अब जस्ट क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x - y का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना हो गया, x - y इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 5, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x + y का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये आ गया x + y इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 11, और इस तरीके से ये जो आती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर प्लस कर दें तो, क्योंकि ये y कैसा है नेगेटिव, ये y कैसा है पॉजिटिव, दोनों आपस में कट जाएंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सो भाई दोनों को प्लस कर देते हैं, सो x - y = 5, और ये क्या है x + y = 11, दोनों को प्लस करेंगे, देखो y नेगेटिव y पॉजिटिव ये तो कैंसिल हो गया, x + x कितना हो गया 2x = 5, और 11 कितना हुआ 16, इसका मतलब यहाँ से क्या मिला हम लोगों को 2x = 16, सो x = 16/2 जो कि कैंसिल करके आ गया 8, सो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी है 8 है। अब इस वैल्यू को क्या करें हम लोग, पुट कर देते हैं या तो इक्वेशन नंबर 5 या फिर इक्वेशन नंबर 6 में, चलिए 6 में पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर रखा हम लोगों ने 8 + y = 11, इसका मतलब y इक्वल टू कितना होगा, इसको ट्रांसपोज कर दें 11 - 8, तो y कितना आया 3। देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 8 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 km/h, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।